इलॉन मस्क वो नाम है जिन्हें लोग फ्यूचर का इंसान कहते हैं, क्योंकि दुनिया में यही एक इकलौता शख्स है जो लंबे समय से प्राइवेटली मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने के काम में जुटे हुए हैं। इलॉन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं और इसी काम के लिए उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स नाम की कंपनी शुरू की, जिसका एम स्पेस ट्रेवल को सस्ता और ह्यूमंस को मल्टीप्लैनेटरी मतलब एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली स्पीसीज बनाना है। इलॉन मस्क मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन क्लोनी यानी आत्मनिर्भर ह्यूमन क्लोनी जो बिना किसी मदद के चल सके वो बनाना चाहते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। जब इलॉन मस्क से मार्स पे जाने के कारण पूछा गया तो उनका जवाब बहुत ही लॉजिस्टिक था। उन्होंने कहा कि हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है कि हमेशा पृथ्वी पर रहें और कोई विनाशकारी घटना का इंतजार करें, जैसे कि हजारों साल पहले मेट्रॉइड्स के टकराने से डायनासोर्स खत्म हो गए थे, वैसी कोई घटना दोबारा हो जाए और हम भी खत्म हो जाएं। दूसरा रास्ता है कि हम पृथ्वी से निकलकर दूसरे ग्रह यहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर अपनी बस्ती बसाएं, जिससे कि फ्यूचर में होने वाली डेंजरस इंसिडेंट से खुद को बचाया जा सकेगा। अब सवाल ये है कि मार्स ही क्यों, जबकि सौर मंडल में और भी ग्रह हैं। ऐसे में वो बताते हैं कि सौर मंडल में हमारे पास वीनस, यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर है और एसिड रेन होती है। मरकरी, सूरज के पास होने की वजह से गर्मी होती है। यूपिटर और सैटर्न गैशियस प्लैनेट्स हैं। मंगल पृथ्वी के कंपैरेटिवली सूरज से बहुत दूर होने के कारण बहुत ठंडा है और इसका टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मार्स पर कॉलोनीज बसाने के लिए इलॉन मस्क ने सितंबर 2016 में अपने प्लान के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू मस्क, एक आदमी का मार्स जाने का उतना ही पैसा लगना चाहिए जितना कि अमेरिका में घर खरीदने का खर्च है, मतलब $2,00,000 यानी 1.5 करोड़। अब इलॉन मस्क का विजन एकदम क्लियर है कि मनुष्य जाति को बचाना है तो मंगल ग्रह पर जाना होगा। तो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इलॉन मस्क के परसेप्शन के बारे में। इसमें पहला है रीयूजेबिलिटी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी इन्वेंशन की शुरुआत में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, मगर जब इन्वेंशन पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है तो उसका खर्चा काफी हद तक कम हो जाता है और पृथ्वी से मार्स तक की दूरी तय करने के लिए अच्छे खासे पैसे की जरूरत है। ऐसे में इलॉन मस्क का आंसर इसके लिए रीयूजेबिलिटी यानी एक चीज को बार बार इस्तेमाल करने की क्षमता है। रॉकेट और स्पेसशिप जैसी चीजें जो इस मिशन में काम आएंगी उन्हें रीयूज किया जा सकेगा। जब स्पेस में किसी रॉकेट को भेजा जाता है तो उसका वन टाइम इस्तेमाल मतलब एक ही बार इस्तेमाल ही होता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट में काफी तरक्की हासिल की है। 2015 में स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद सही सलामत उतारा, जमीन पर लैंड करवाया और कुछ महीने बाद उन्होंने इसी रॉकेट को समुन्द्र में तैनात ड्रोन शिप पर लैंड करवाया। इससे मिशन का खर्चा काफी कम हो जाता है और जब किसी चीज को बार बार यूज किया जाता है उसका कॉस्ट और एक्सपेंडिचर पूरी तरह से कम हो जाता है। दूसरा स्टेप है रीफ्यूल इन ऑर्बिट, मतलब पृथ्वी की कक्षा में फ्यूल भरना। फाल्कन 9 स्पेस शटल को पृथ्वी की कक्षा तक ले जाएगा, जिसके बाद स्पेस शटल और रॉकेट अलग हो जाएंगे और फिर स्पेस शटल पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा और स्पेस शटल से अलग होने के बाद ये रॉकेट फिर से धरती पर आएगा, जिसके ऊपर फ्यूल टैंक लगा दिया जाएगा और ये रॉकेट फ्यूल टैंक को लेके स्पेस शटल के पास चला जाएगा और फिर से रॉकेट उसे पुश करते हुए मंगल ग्रह तक पहुंचाने का काम करेगा एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ। धरती से मंगल का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत तो पड़नी है और ये एक्स्ट्रा फ्यूल इंसानों के मार्स पहुंचने के सफर को आसान बनाएगा। इलॉन मस्क के मुताबिक ऐसा करने से खर्च 5% और कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्लान है प्रोपेलेंट बनाना यानी कि फ्यूल। मंगल पे कॉलोनीज बनाने के लिए स्पेसशिप को वापस धरती पर भेजना होगा।
ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार रॉकेट को मार्स पर भेजा जाएगा तो इसे धरती पर वापस आना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पर रॉकेट्स का रश ज्यादा और ह्यूमंस के रहने की जगह कम हो जाएगी और वहां गए लोगों के पास वापस लौटने का ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि वहां प्रोपेलेंट बनाया जाए जिससे कि मिशन की कॉस्ट 5% और कम हो जाएगी। प्रोपेलेंट बनाने के लिए जो भी चाहिए वो वहां के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और पानी होने की वजह से इससे ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है और फिर इन तीनों को मिला के मीथेन गैस बनाई जा सकती है जो कि रॉकेट को चलाने के लिए प्रोपेलेंट के काम आती है। तो अगर टू वे जर्नी करनी है तो दोनों तरफ का फ्यूल होना जरूरी है। रॉकेट में ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए तीन तरह की चॉइसेस रखी गई थी। पहला था रिफाइंड केरोसिन जो कई रॉकेट्स में यूज होता है, दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल और तीसरा था मीथेन। मीथेन का सिलेक्शन इसलिए किया गया क्योंकि मार्स पे इसे बनाना आसान है। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग इन बातों का ध्यान रख के खर्च काफी कम किया जा सकता है। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी ये है कि पहले रॉकेट स्पेसशिप को ऑर्बिट में छोड़ेगा, फिर पृथ्वी पे लैंड करेगा, उसी रॉकेट पे फ्यूल टैंक रख के दोबारा स्पेसशिप के पास भेजा जाएगा। पृथ्वी की कक्षा में ऐसा 3 से 5 बार किया जा सकता है। फिर ये स्पेसशिप मार्स के पास जाएगी, सोलर पावर पर चलेगी और मार्स में प्रोपेलेंट बनाया जाएगा और स्पेसशिप वापस धरती पर आ जाएगी। इलॉन मस्क के मुताबिक एक टाइम पे 1000 स्पेसशिप होंगी जो मार्स की तरफ एक साथ जाएंगी। इस मिशन को पूरा करने के लिए एक डेट फिक्स की जाएगी। जब 26 महीनों में एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी और मंगल बहुत क्लोज होते हैं, इसे लॉन्च विंडो कहते हैं और ये सही वक्त होता है जब स्पेसक्राफ्ट को मार्स पे पहुंचाया जाता है। स्पेसएक्स जिस स्पेसक्राफ्ट को मिशन के लिए तैयार कर रहा है उसका नाम है स्टारशिप, जिसकी कई टेस्ट फ्लाइट्स भी की गई हैं और चेंजेस भी किए गए हैं और कई और करने बाकी हैं। मार्स पर लाइफ सस्टेन करने के बारे में उन्होंने उसे टेराफॉर्म करने की बात की है, जिसका मतलब है कि किसी ग्रह को लोगों के रहने के लायक बनाना। उन्होंने कहा कि इसके लिए मार्स को थोड़ा गर्म करने की जरूरत है, जिसके लिए न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकते हैं। उनकी इस स्टेटमेंट से उन्हें काफी आलोचना भी सहनी पड़ी। फिर उन्होंने बताया कि मंगल पर जीवन ग्लास डूम्स के अंदर होता है और फिर उसको टेराफॉर्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2050 तक मार्स पर सेल्फ सस्टेनिंग सिटी देख पाएंगे। अब ये कब और कैसे होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा।